डीसी वर्सेस एसआरएच दिल्ली कैपिटल वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल का गाइस मैच नंबर पचास और गाइज ये वाला मैच इन दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर इनको अगर इस वाले आईपीएल में टॉप चार में जगह बनानी है तो ये वाला मैच किसी भी कंडीशन में जीतना होगा क्योंकि गाइज मुझे जहां तक लग रहा है गुजरात टाइटंस और लखनऊ लगभग पहुंचेगा इस वाले आईपीएल में तो अब टॉप दो जो दो टीमें बची है उसमें गईस काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है देखिएगा सिचुएशन बन रही है तो दोनों ही टीमों की तरफ से वो चेंजेस नहीं दे रहे हैं और है। बताऊंगा कि जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब इनके प्लेयर्स का रिकॉर्ड कैसा है इनका वेन्यू रिकॉर्ड कैसा है जिस मैदान पे ये मैच खेला जाएगा उस मैदान पे गई बैट्समैन को लेना चाहिए या बॉलर्स को ज्यादा लेना चाहिए उसके

तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए शानदार होने वाला है साथ में गई इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए टोटल पंद्रह हजार रुपए का फ्री गिव अवे है और पंद्रह हजार रुपए का गई जो गिव अवे है उसमें से दस हजार रुपए तो गैज आपको सीधे टेलीग्राम ज्वाइन करने पे मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाइव और कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पे पिन किया हुआ है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से लिंक है बस आपको उस पर क्लिक करना है टेलीग्राम पे आ जाना है और टेलीग्राम पे गई मैं आपको बता दूंगा वो फ्री गिव अवे कहाँ पे और कैसे मिल रहा है आप जाके जरूर से ज्वाइन कर लेना तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बाकी का जो गिव अवे बचा है वो गई मैं इसी वीडियो के बीच में इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है अगर आपका आंसर सही है तो आपको प्राइस मिल जाएगा पर दोनों ही गिव अवे विन करने के लिए आपको एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो है वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के ऑल प्रेस करना है और देखिए लाइक के लिए मैं आपको बोलूंगा नहीं ना मैं आपको फोर्स करूंगा अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छा लगे कि हाँ भाई आपके वीडियो से हमें फायदा हुआ है तो आप वीडियो पे जरूर लाइक करके जाना बट वीडियो पूरा वॉच करना गैज ये वाला मैच जो खेला जाएगा ना ये खेला जाएगा मुंबई के बारबोन स्टेडियम में जो कि अपने हाई स्कोरिंग मैच के लिए जाना जाता है ग्राउंड काफी छोटा है अभी इस आईपीएल में यहां पे काफी बड़े स्कोर भी बने बट लास्ट दो तीन मैचों से गैज देखा गया है कि कंटिन्यू पिच यूज होने के कारण पिच कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई है इस रीजन से स्पिनर्स भी हावी हो रहे हैं तो गैज इस वाले पिच पे फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स कुछ है जो काफी अच्छा कर सकते हैं वो गाइस कौन है इस वीडियो में आपको पता लगेगा साथ में गई आपको टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना है कमेंट में लिंक है श्योर एक्सपर्ट सपोर्ट ऑफिशियल नेम से बस क्लिक करना है ज्वाइन हो जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है यहां पर गई बात करूं अगर टी ट्वेंटी डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स की तो बारबोन स्टेडियम में गई टोटल 22 मैचेस खेले गए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 10 सेकंड ने 12 और एवरेज स्कोर मैंने आपको बताया था यहां पे 177 का है अगर स्कोरिंग पैटर्न को देखो तो गई जब ये आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब 150 से कम का स्कोर यहाँ पे जीरो बार था बट अभी लास्ट दो तीन मैचों से यहाँ पे लो स्कोर बनाए एक सौ से कम दो बार और यहाँ पे 190 से ज्यादा सात बार बनाए तो आपको गई जो टीम बनानी है ना वो बहुत ही सोच समझ के बनानी है अब देखिए गई यहाँ पे लास्ट जो दस मैचेस खेले गए ना उसमें किसको ज्यादा विकेट्स मिले फास्ट बॉलर्स को मिले या स्पिनर्स से जिसके बेस पर अपन डिसाइड करेंगे किसको अपनी टीम पे रखना है लास्ट दस मैचों में गई आप देखोगे तो पेसर्स को गए यहां पे 72 टू विकेट मिले और वहीं स्पिनर्स की बात करूं तो सैतालीस विकेट मिले और फर्स्ट इनिंग में उनतालीस विकेट फास्ट बॉलर लेके गए सेकंड इनिंग में 33 विकेट यहां पे देखोगे फर्स्ट इनिंग में 26 विकेट स्पिनर्स को मिले और सेकेंड इनिंग में इक्कीस विकेट तो कहीं ना कहीं पे फास्ट बॉलर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है अब उनको फर्स्ट इनिंग में मिलती है या सेकेंड इनिंग में वो गई आपको अभी आगे पता लग जाएगा बट उसके लिए आपको वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा इसके अलावा गई अगर इस वाले ग्राउंड पर अगर मैं लास्ट तीन मैचों का डेटा उठा के देखूं जो इस आईपीएल 2022 में खेले गए सबसे पहला मैच हुआ था 20 अप्रैल 2022 को सबसे पहला नहीं मतलब लास्ट जो तीन मैच है उसमें जो पहला है जिसमें दिल्ली कैपिटल एक रन बना के आराम से जीत गया था और पंजाब ने 115 पे ऑल पे हो गया था तो काफी लो स्कोरिंग मैच ही हुआ था जिसमें पंजाब के आपको पता है बहुत जल्दी विकेट्स गए थे इसके बाद यहाँ पे तीन दिन बाद मैच हुआ 23 अप्रैल 2022 को ये भी गाइज काफी ज्यादा लो स्कोरिंग मैच हुआ आर सी बी रन पे आउट हो गई और हैदराबाद सेवनटी बना गया तो कहीं ना कहीं गाइज अगर पिच से मदद मिलती है तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आएगी उनके लिए थोड़ा सा डेंजर जोन है क्योंकि फर्स्ट इनिंग में देखिए आरसीबी जल्दी आउट हुई पंजाब भी जल्दी आउट हुई बट इसके बाद गई फिर 30 अप्रैल 2022 को मैच हुआ जो कि लगभग सात दिन बाद हुआ सारी चीजें ही बदल गई आरसीबी ने गई यहां पर देखिए गुजरात ने 174 सेवनटी फोर बनाए आरसीबी वन बना पाई तो काफी हाई स्कोरिंग मैच हो गया इसलिए गई यहां पे है ना थोड़ा टीम बनाना बड़ा सोच समझ के बनाना और अगर आप ग्रैंड लीग विन कर रहे हो ना तो प्लेयर बैटल अभी दिखाऊंगा मैं उससे गए आप एक दो प्लेयर ड्रॉप कर सकते हो कोई सा भी बड़ा क्योंकि क्रेडिट का इशू रहेगा इस वाले मैच में अब दोनों टीमों की मैं प्लेइंग बता रहा हूं और क्या बदलाव इस वाले मैच में हो सकता है और इनमें से कौन से प्लेयर है जिसको अपन अपनी टीम में लेके चलेंगे और जिनमें कप्तान वाइस कप्तान भी सेलेक्ट करेंगे वो अभी आपको पता लग जाएगा सबसे पहले यहां पे बात करें पृथ्वी शाह गई डेविड वार्नर ओपन करेंगे इसके बाद मिशेल मार्श ऋषभ पंत दलित यादव मिडिल ऑर्डर में आएंगे इसके बाद रोमन पोवाल अक्षर पटेल शरदुल ठाकुर कुलदीप यादव मुस्तैफिजुरहमान और चेतन सकारिया अगर दिल्ली कैपिटल की अगर मैं पूरी प्लेइंग इलेवन को देखूं तो कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं लग रहा जिसको ड्रॉप किया जा सकता है एक चांस है चेतन सकारिया को हो सकता है ड्रॉप करे बाकी मुझे नहीं लग रहा पॉसिबिलिटी कम है अगर चेंज होगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगा आप ज्वाइन करके रखना यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से केन विलियमसन अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे इसके बाद राहुल त्रिपाठी मकराम पूरन मिडिल ऑर्डर में आएंगे इसके बाद शशांक सिंह वॉशिंगटन सुंदर मैक्रो जैनसन भुवनेश्वर कुमार उमरान मलिक और टी नटराजन आज के मैच में गई हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर ना खेले इनकी जगह आपको जे सूचित भी खेलते हुए दिख जाए क्योंकि तो थोड़ी सी गईज इनकी इंजरी कंसर्न चल रहे हैं अगर ये फिट होते हैं तो खेलते हुए दिखेंगे अदरवाइज फिर आपको जे सोचित भी ये वाला मैच खेल सकते हैं तो यहाँ पे बदलाव हो सकता है अब सनराइजर्स हैदराबाद की अगर मैं बॉलिंग स्ट्रेंथ मान लू तो बहुत तगड़ी बॉलिंग स्ट्रेंथ है सबसे बेस्ट बॉलिंग है आईपीएल की और अगर यहाँ पे अगर अपन दिल्ली कैपिटल की माने तो दिल्ली कैपिटल के गई जो ऑलराउंडर्स है एक बैलेंस टीम है तो थोड़ा सा आपको संभल के यहाँ पे टीम बनानी है अब गई सबसे पहले अपन यहां पे बात करें उससे पहले गई अगर आपने माई सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गई जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो अगर आप इसको मेरे लिंक से डाउनलोड करते हो जिसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है पंद्रह सौ रुपए का आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा साथ में गई यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डिपोजिट कराते हो कोड यूज करते हो ई एक्सपी तो जितना आप डिपोजिट कराओगे उसका ट्वेंटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा साथ में गए यहाँ पे आप वीवीएस लक्ष्मण सर के साथ खेलते हो उनको हराते हो तो फाइव मल्टीप्लाई विनिंग कर सकते हो और इसके अलावा यहाँ पे गए अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो रैंक वन पे आते हो तो एक करोड़ रुपए विन कर सकते हो तो बहुत ही लाजवाब एप्लीकेशन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है जाके डाउनलोड कर लेना बट इस एप्लीकेशन पे थोड़ा सा वित्तीय जोखिम इंक्लूड है कृपया अपनी रिस्परी खेले अब गई सबसे पहले मैं विकेट कीपर सेक्शन से शुरुआत करूंगा कि कौन सा कीपर है जो अपने को इस वाले मैच में रखना चाहिए दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत की बात करें नंबर चार पे खेलेगा सामने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट जब खेलता है तब आप देखिए चौदह मैच खेले चार सौ छियासठ रन फोर्टी सेवन का एवरेज बट बारबोन स्टेडियम में केवल दो ही मैच खेले वहां पे अट्ठाईस रन बनाए तो थोड़ा सा ऋषभ पंत को ये ग्राउंड थोड़ा कम रास आता है बाकी फॉर्म की मैं बात करूं तो केवल दो मैच छोड़ दीजिए दो और एक बाकी हर मैच में 30 से चालीस रन का कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर्म लाजवाब है पर थोड़ा सा गाइज इस वाले वेन्यू पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है हैदराबाद की तरफ से मैं बात करूं निकोलस पुरन हेड टू हेड में तीन मैच बासठ रन इस वाले वेन्यू पर एक ही मैच खेला है पांच रन और फॉर्म गाइज इसकी भी बहुत ही लाजवाब है तो दोनों विकेट कीपर देखिए दोनों ही मिडिल ऑर्डर में आएंगे मेरे हिसाब से इस वाले मैच के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं पर रखना कैसे गाइज वो जब मैं आपको फाइनल टीम दिखाऊंगा तब आपको पता लग जाएगा यहां पे बात करेंगे दिल्ली कैपिटल के बैट्समैन की तो सबसे पहला नाम आता है डेविड वार्नर का ओपन करेगा और बारबोन स्टेडियम पे गई थे थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है क्योंकि आप देखिए तीन मैच खेले एक रन बनाए उनतालीस के एवरेज से और अगर लास्ट मैचों में भी देखोगे तो लास्ट मैच छोड़ दीजिए अदरवाइज बयालीस अट्ठाईस साठ छियासठ इकसठ तो एक शानदार फॉर्म में चल रहा है ऋषभ पंत की जैसी फॉर्म है वैसी डेविड वार्नर की है पृथ्वी शाह की बात करूं ओपन करेगा दो मैच खेले 89 रन बनाए इस वाले वेन्यू पर तो पृथ्वी शाह को भी गई ये वाला ग्राउंड रास आता है आप देखिए दो मैच से रन नहीं निकले बट मुझे लग रहा है इस वाले मैच में रन निकल सकते हैं तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह खास तौर से अगर सेकंड इनिंग में दिल्ली कैपिटल खेलने आए जब तो दोनों को रखना ही है इसके बाद यहां पे बात करें मिशेल मार्च की नंबर तीन पोजिशन पे आएगा लास्ट मैच अच्छा खासा विन करा रहा था पता नहीं एकदम से क्या हुआ रिटायर मतलब आउट नहीं था फिर भी खुद को आउट मान लिया और लास्ट तीन मैचों में सैतीस तेरह चौदह और बॉलिंग, तो जिसको बॉलिंग तो अभी करा नहीं रहा। रोमन पोवल भी और दिल्ली कैपिटल की तरफ से अब इनको गई मैंने बहुत अलग तरीके से यूटिलाइज किया है वो कैसे किया है वो अभी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन की तो पहला नाम आता है केन विलियमसन का इस वाले मैच में ओपन करेगा और सामने वाली टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है दहली कैपिटल के अगेंस्ट लगभग फोर्टी का एवरेज है लास्ट मैच में सैतालीस उससे पहले पांच सोलह तीन और थोड़ा सा गई जिस वाले वेन्यू पर स्ट्रगल भी करता है आप देखिए दो मैच में केवल तैतीस रन बनाए राहुल त्रिपाठी की बात करें नंबर तीन पे आएगा स्टार्टिंग हुई थी आईपीएल की बहुत अच्छी फॉर्म में था लास्ट तीन मैचों से थोड़ी फॉर्म गड़बड़ा गई है बट ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए इस वाले मैच का फंड प्लेयर हो सकता है आप जरूर ट्राई करना इसके अलावा अभिषेक शर्मा तो देखिए शानदार फॉर्म में चल रहा है और इस वाले मैच में ओपन भी करेगा और फॉर्म आप देख सकते हैं एक भी मैच ऐसा नहीं गया जिसमें इसने जल्दी आउट हो गया और एक बार बस तीन रन पे आउट हुआ एक बार उन्नीस रन पे बाकी हर मैच में रन निकल के आए तो अभिषेक शर्मा आपकी टीम में डेफिनेटली होना चाहिए और शशांक सिंह टीम का स्पिनर है मिडिल ऑर्डर में आकर एक अच्छी भूमिका निभा सकता है तो इसको जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं इस वाले मैच में बॉलर्स गए बहुत ध्यान से सेलेक्ट करने हैं आपको अगर इस वाले मैच में विन करना है तो इसके अलावा यहां पे मैं दिल्ली कैपिटल के अगर ऑलराउंडर्स की बात करूं तो पहला नाम आता है अक्षर पटेल का टीम का स्पिनर है और इस वाले वेन्यू पर अक्षर पटेल को अभी तक एक भी विकेट नहीं मिला है दो मैच के लिए साठ रन मिलाए बनाए जीरो विकेट मिलाए बाकी बैटिंग देखिए लास्ट मैच में भी बयालीस रन उससे पहले चौबीस रन एक विकेट तो ये प्लेयर ऐसा है आपको बैटिंग नहीं तो बॉलिंग बॉलिंग नहीं तो बैटिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट दे देगा ललित यादव की बात करूं टीम का स्पिनर है और इस वैल्यू पर दो मैच चुनचास रन एक विकेट और लास्ट तीन मैचों से अगर आप देखोगे तो बॉलिंग से तो एक भी विकेट नहीं मिला बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है बट दोनों में अगर कंपेयर करें तो अक्षर पटेल ज्यादा बढ़िया चॉइस है यहाँ पे बात करें अगर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर्स की तो इसमें पहला नाम आता है ए मक्का का ये टीम का बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और इस वाले वेन्यू पर रिकॉर्ड भी अच्छा एक ही मैच गए इस वेन्यू पर खेला है अड़सठ रन बनाए और लास्ट मैच में भी सत्रह छप्पन इकतालीस तो कहीं ना कहीं गए मकर आपके लिए इस वाले मैच के लिए एक बेटर चॉइस है जरूर से आप रख लेना अपनी टीम में और वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है आज के मैच में ना खेले क्योंकि जब इंजरी के बाद आया है तो भी उतले टच में लग नहीं रहा जितना वो पहले टच में था

इसके बाद रहमान टीम का फास्ट बॉलर है लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला उससे पहले तीन विकेट एक विकेट एक विकेट कुलदीप यादव के लिए गए ये वाला ग्राउंड बहुत ही बढ़िया रहता है इस वाले वेन्यू पर दो मैच खेले सात विकेट ले जा चुका है तो कुलदीप यादव को गई आज के मैच में आप जरूर अपनी टीम में रखना चाहे एसएल की टीम हो या जीएल की टीम में जीम का स्पिनर है और चेतन सकारिया की बात करूं लास्ट दो मैचों में एक विकेट तो यहां पे गए आपको क्या करना है थोड़ा लॉजिक से टीम बनानी है अगर आप दो टीम बना रहे हो तो दोनों टीम में कुलदीप यादव को तो फिक्स रखना और एक टीम में शरडुल ठाकुर एक टीम में रहमान इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और चेतन सकारिया को आप जीएल में यूज कर सकते हैं अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग यूनिट है, है हैदराबाद की चारों के चारों बॉलर खतरनाक भुवनेश्वर कुमार के लिए भी गई ये वाला ग्राउंड बहुत ही अच्छा है इस वाले वेन्यू पर तीन मैच खेले पांच विकेट निकाले लास्ट दो मैचों से विकेट नहीं मिले कहीं ना कहीं इस वाले मैच में एक से दो विकेट ले जा सकता है एक इंपॉर्टेंट चॉइस है उमरान मलिक की बात करूं टीम का फास्ट बॉलर है इस वाले वेन्यू पर दो मैच तीन विकेट और लास्ट मैच में तो चेन्नई ने बहुत बुरा ठोका था बट उससे पहले आप देख सकते हैं हर मैच में फॉर्म इसके अलावा यहां पे टी नटराजन की बात करूं तो टी नटराजन के लिए भी ये वाला वेन्यू बहुत ही जबरदस्त है दो मैच छह विकेट और आप देख सकते हैं फॉर्म तो आज के मैच के लिए नटराजन और भुवनेश्वर कुमार ये दो बेस्ट बॉलर हो सकते हैं और मैक्रो की बात करूं इस वाले वेन्यू पर दो मैच चार विकेट तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हैदराबाद का बॉलिंग स्ट्रेंथ इस वाले मैच के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है तो आपको सनराइजर्स के हैदराबाद के बॉलर्स को थोड़ा अपनी टीम में ज्यादा रखना है आज के मैच में क्योंकि जिस तरीके का इनका वेन्यू रिकॉर्ड है अब गई आपको प्लेयर बैटल बता रहा हूं जिसके बेस पर आप कोई भी बड़ा प्लेयर आज के मैच में ड्रॉप कर सकते हैं और आपकी क्रेडिट को भी मैनेज कर सकते हो और ग्रैंड लीग भी विन कर सकते हो कैसे आपको मैं बता दूं ऋषभ पंत को देखिए भुवनेश्वर कुमार ने तैतीस बॉलों के अंदर एक बार आउट किया है डेविड वॉर्नर को वॉशिंगटन सुंदर ने इकतीस बॉलों के अंदर एक बार और पृथ्वी शाह को देखिए भुवनेश्वर कुमार ने 35 बॉलों के अंदर दो बार आउट किया है तो कहीं ना कहीं देखिए भुवनेश्वर कुमार आज के मैच में अच्छा करता हुआ दिख रहा है और रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं पृथ्वी शाह का रिकॉर्ड थोड़ा खराब है भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट में इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं शरडुल ठाकुर को केन रिचर्डसन तो देखिए खेलेगा ही नहीं तो इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है इसके अलावा यहाँ पे शरडुल ठाकुर ने निकोलस पुरन को तीन बॉलों के अंदर दो बार आउट किया है तो निकोलस पुरन को अगर आज अपनी टीम में रख रहे हो अगर आप ग्रैंड लीग मेगा की टीम में तो एक टीम में ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं क्योंकि शरडुल ठाकुर दो बार आउट कर चुका है इसके अलावा यहाँ पे राहुल त्रिपाठी को रहमान ने पांच बॉलों के अंदर एक बार अक्षर पटेल ग्यारह बॉलों के अंदर एक बार कुलदीप चौदह शरडुल ठाकुर बारह बॉल तो राहुल त्रिपाठी भी गाइज इसकी चॉइस लग रहा है आज के मैच के लिए इसके अलावा बाकी तो गाइज एक एक बार आउट है तो कुछ प्लेयर है देखिए निकोलस पुरन थोड़ा सा रिस्की चॉइस है पृथ्वी शाह थोड़ा सा रिस्की चॉइस है भुवनेश्वर कुमार थोड़ा अच्छा करता हुआ दिख रहा है इसके अलावा शरडुल ठाकुर रहमान अक्षर पटेल ये कुछ डिफरेंशियल पिक है जो आज के मैच के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बेंच में बैठे हुए प्लेयर देखिए दिल्ली कैपिटल की तरफ से तो मुझे नहीं लगता आज के मैच में कुछ चेंज होने वाला है हो सकता है आज के मैच में आपको एक चेंज देख सकता है खलील अहमद को बुलाया जा सकता है वापस से और खलील अहमद गईज पता नहीं इन्होंने क्यों बाहर बैठा दिया मेरी समझ से बाहर है इतना बढ़िया प्लेयर है और इस वाले वेन्यू पर तो दो मैच खेले पांच विकेट ले जा चुका है और लास्ट मैचों में भी देखोगे तो गैज मतलब क्या फॉर्म है यार मतलब जबरदस्ती प्लेयर को बेंच से बैठा रखा है खलील अहमद अगर आज के मैच में खेले तो डेफिनेटली आएगा और आपकी टीम में जरूर होना चाहिए क्योंकि इस वाले वेन्यू पर इसका रिकॉर्ड अच्छा है मैं गैस देखिए हर प्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा चाहे आप लाइक करो मत करो मैं मेरी तरफ से हंड्रेड परसेंट देता हूं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में कुछ चेंज होगा होगा तो जगदीश सूचित खेल सकते हैं वापस से और वापस से वाशिंगटन सुंदर बैंक में बैठ सकते हैं और जगदीश सूचित बढ़िया चॉइस प्लेयर हो सकता है आज के मैच के लिए अब गाइस इससे आपको काफी हद तक पता लगेगा कि लास्ट ओवर्स में विकेट कौन लेके जाता है क्योंकि लास्ट ओवर में विकेट सबसे ज्यादा जाते हैं आप देखिए हर मैच में ऐसा होता है दिल्ली कैपिटल की तरफ से दैद बॉलर से मुस्तफिज और रहमान और शरडुल ठाकुर और शरडुल ठाकुर और रहमान एक बढ़िया चॉइस बॉलर है ओपनिंग पे आएंगे चेतन सकारी अक्षर पटेल और रहमान और अगर चेतन नहीं खेलता है तो फिर खलील अहमद सनराइजर्स की तरफ से भुवनेश्वर कुमार नटराजन और उमरान मलिक ये तीन की जोड़ी ने तो कई सनराइजर्स हैदराबाद को जबरदस्त ऊपर लेकर आए और ओपन पे आएंगे मैक्रो जैन तो इन बॉलर्स पे गई थोड़ा सा आपको नजर बना के रखना है इस वाले मैच में अब गैस आपको मैं इस वाले मैच के ना दो टीम दिखाने वाला हूं और दोनों टीमों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बताने जा रहा हूं उससे पहले गईज अगर आपको इस वाले मैच का गिव अवे का क्वेश्चन आप लोग वेट कर रहे थे वो पूछ लेता हूं गैस आपको क्या लगता है इस वाले मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा इस वाले मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है

यहाँ पे रखा है अभिषेक शर्मा केन विलियमसन ये दोनों जोड़ी गई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है हर मैच में क्लासिक है इसके अलावा डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह ये दोनों गाइज ये वो ही मैच था जहाँ पंजाब का मैच हुआ था इन दोनों ने मिलकर एक विकेट के अंदर वो रन बना दिए थे तो कहीं ना कहीं इस वेन्यू पर अच्छा कर सकते है डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह यहाँ पे मकर भी गाइज एक बैटर चॉइस प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी भूमिका निभाता है और एक दो ओवर भी करा के एक आध विकेट भी ले सकता है इसके अलावा यहाँ पे अक्षर पटेल को रखा है और बॉलिंग सेक्शन में देखिए कुलदीप यादव आज के मैच का पंट प्लेयर है इसको ड्रॉप नहीं करना है इसके अलावा यहां पे मुस्तफेज और रहमान को रखा है उमरान मलिक और टी नटराजन ये दोनों फास्टर है जो आपकी टीम में है अब डिफरेंस क्या कर सकते हैं देखिए भुवनेश्वर कुमार को अंदर लेके आइए और यहां से शरुल ठाकुर को अंदर लेके आइए इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं अब कैसे करना है मैं बताता हूं और उसके बाद गई कप्तान और वाइस कप्तान का सिलेक्शन भी आपको बताने वाला हूं तो बिल्कुल आप नजरें गड़ा के रखना है अब देखिए गई ये वाली टीम है ना थोड़ी सी डिफरेंशियल टीम है इसमें मैंने क्या करा है चेंज आप देखिए इसमें गई मैं एक तो निकोलस पूरन को लेके आया हूँ जो कि एक बढ़िया भूमिका निभा सकता है एक मिडिल ऑर्डर में आके वैसे रिकॉर्ड खराब है सामने वाली टीम के पास वो बॉलर है जो इसको जल्दी आउट कर सकते हैं बट फिर भी एक डिफरेंशियल पिक है इसके अलावा यहाँ पे मैंने रखा है ऋषभ पंत को चार बैट्समैन रखे हैं अब यहाँ पे मैंने क्या करा है अभिषेक शर्मा को रखा है और केन विलियमसन की जगह रखा है राहुल त्रिपाठी को क्योंकि बाई चांस अगर केन विलियमसन जल्दी आउट हो जाता है तो राहुल त्रिपाठी का रिकॉर्ड इस वाले वेन्यू पर अच्छा एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है इसके अलावा डेविड वार्नर और मिशेल मार्च मिशेल मार्च ने कहीं जिस तरीके से बैटिंग करी थी लास्ट मैच में कहीं ना कहीं टच में लग रहा था तो एक अच्छी भूमिका निभा सकता है तो ग्रैंड लीग के लिए एक बढ़िया चॉइस है इसके अलावा मकर और यहाँ पे क्या करा है नटराजन को ऐसे कैसे रखा है उमरान मलिक की जगह लेके आयो भुवनेश्वर कुमार को और यहाँ पे मुस्तफेदुर रहमान की जगह लेके आयो शर्डुल ठाकुर को ये तरीके से आप चेंज करके इस वाले मैच की एक डिफरेंशियल टीम भी बना सकते हैं अब इस वाले मैच के लिए कप्तान और वाइस कप्तान के लिए कौन बेस्ट चॉइस है जो उसके बारे में अपन बात करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो टोटल पांच रीजन है इस ऐप को डाउनलोड करने के अगर आप इसको मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे जिसका डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है वहां पे अगर आप डाउनलोड करोगे पंद्रह सौ रुपए का आपको इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा साथ में पे अगर आप फर्स्ट डिपोजिट कराते हो होते हो दो हजार बाईस तो जितना आप डिपोजिट कराओगे उसका ट्वेंटी परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहां पर अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो रैंक वन पे आते हो तो आप एक करोड़ रुपए विन कर सकते हो वीवीएस लक्ष्मण सर को हराते हो उनके साथ खेलते हो तो फाइव मल्टीप्लाई विनिंग कर सकते हो और साथ में इस एप्लीकेशन पे एंट्री फीस कम है क्रेडिट का इशू नहीं है बहुत इजीली टीम बनती है कंपटीशन भी कम है तो आपको जरूर से खेलना स्टार्ट करना चाहिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक है जरूर से डाउनलोड करना बट इस एप्लीकेशन पे गई थोड़ा सा विते जो कि इंक्लूड है कृपया अपनी रिस्पर थोड़ा सा संभल के खेले अब कप्तान और वाइस कप्तान के लिए देखिए गई आज के मैच के लिए कौन बढ़िया चॉइस है अब कप्तान और वाइस कप्तान की गई देखिए आज के मैच में बड़ा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से कुलदीप यादव भी बेटर चॉइस है कप्तान वाइस कप्तान के लिए बाकी डेविड वार्नर को आप ट्राई कर सकते हो एक बढ़िया पिक है यहाँ पे अभिषेक शर्मा नटराजन ये चार पॉइंट है वार्नर अभिषेक शर्मा नटराजन और कुलदीप यादव जो आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं बाकी गई मैं शाम को लाइव आऊंगा छह साढ़े छह बजे उसमें आपको बता दूंगा कौन किसको आपको कप्तान वाइस कप्तान रखना है तो गई उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मेरी कोशिश रही है आपको हर वो चीज प्रोवाइड करूं जो आपको एक बेस्ट टीम बनाने में मदद कर सके फिर भी गईज अगर आपको लगता है कुछ कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पर जाते जाते गए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे दबा के ऑल जरूर प्रेस करके जाना और एक काम जरूर करना टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना जिसका डिस्क डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक है तो गैज आप लोगों ने इस वीडियो को इतना टाइम दिया प्यार दिया उसके लिए आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही वीडियो वॉच करते रह करें और ऐसे ही वीडियो को देखते रह करें